असलमकुम तो कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे हैरियत से होंगे और खुश होंगे बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी हिमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर तो व्यूज़ आज हम बॉइल्ड कॉर्न की रेसिपी लेकर आए हैं जिसे बुट्टा भी कहा जाता है और छली भी कहते हैं तो बॉयल्ड जो कॉर्न है वो रेसिपी किस तरह से आप अपने घर पर मज़ेदार बना सकते हैं आज हम आपको बताएँगे किस तरह से आपने मसाला तैयार करना है और किस तरह से आपने जो है कॉर्न को उबालना है ताकि उसके दाने जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह से नरम हो जाए ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं हमारे साथ जुड़े रहिएगा सारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि एक अच्छी रेसिपी आप अपने घर पर बना सकें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको आज की जो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो बता देते हैं तो इस तरफ हमने ये देखिए कॉर्न के पीसीज रखे हैं एक दो और ये तीन पीस हमने यहाँ पे रखे हैं आप हंसबें ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी साइड पे जो मसाले लगाने हैं वो भी आपको बता देते हैं इस तरफ हमने जो है हाफ़ टी स्पून रखा है सफ़ेद नमक इस तरफ हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है इस तरफ हाफ़ टी स्पून हमने काला नमक रखा है हाफ टी स्पून ही यहाँ पे आप गरम मसाला लेंगे और दो अदद हम यहाँ पे लीमू भी इस्तेमाल करेंगे तो चलिए जल्दी से रेसिपी को बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो है आपने प्रेशर कुकर में जो हमने पीसीज यहाँ पे रखे हैं उनको उबाल लेना है उससे पहले आप जो है छिलका उतार लेंगे जो अच्छी तरह से यहाँ पे आपने जो है सफ़ाई करके यानी कि छिलका उतार के इनको धोना नहीं क्योंकि धोने की बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है फ्रेश पीसेस हमने यहाँ पे कॉर्न के लिए हैं बस आपने इसका छिलका उतार लेना है और छिलका उतार के जो है आपने इसे बॉयल कर लेना है तो अभी दो पीस हमने आपने देखा बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुके हैं उनका छिलका हमने उतार लिया है अभी मज़ीद जो है एक पीस हमारे पास है उसका भी आप ये देखिए इस तरह से छिलका उतार लेंगे तो रेसिपी आज की जो है बहुत कमाल की होने वाली है आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चटपटी रेसिपी जो है हमारी आज की बनने वाली है वैसे भी कॉर्न के बहुत ज़्यादा फायदे हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स वग़ैरह और दूसरे ऑक्सीडेंट्स वग़ैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं तो भी जो है छिलका उतार लेंगे और उसके बाद इसको बॉयल करके किस तरह से आपने मसाले लगाने हैं वो भी हम आपको बताएंगे इसी के साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप ही सपोर्ट से आगे बढ़ते रहेंगे और मज़ीद आपके लिए ऐसी आसान रेसिपीज हम लेकर आते रहेंगे बच्चे वगैरह जो हैं उनके लिए आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और एक हेल्दी रेसिपी है आप इसे ज़रूर घर पर बनाएं, खुद भी खाएं और बच्चे वगैरह जो है उनको भी आप ये दे सकते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं करता उन लोगों के लिए जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेस्ट रेसिपी मानी जाती है हफ़्ते में आप जो है एक दो दफ़ा इस तरह से उबाल के जो है कॉर्न का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पे, इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं तो यहाँ पे तीनों ही पीस जो है उनको हमने रेडी कर लिया है अच्छी तरह से सुन के हमने सफ़ाई कर ली है और छिलका हमने उतार लिया है इसी तरह से आपने भी जो है इनको साफ़ कर लेना है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है धोने की ज़रूरत नहीं फ्रेश पीस हमने लिए थे इस वजह से जो है इनको इसी तरह से हमने उबाल लेना है तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे यहाँ पे जो है तीनों पीस नज़र आ रहे हैं अब हमने जो है प्रेशर कुकर लेना है और तीनों पीस यहाँ पे उसमें रख देने हैं अगर आपका प्रेशर कुकर छोटा है तो आप जो पीस के दो पीस जो है दरमियान से कर सकते हैं यानी कॉर्न के जो है दरमियान में से आपने तोड़ के इसके दो पीस कर लेने हैं ताकि अच्छी तरह से बर्तन में जो है कॉर्न का जो है वो रेडी कर सके आप रेसिपी को तो अभी पानी जो है वो भी आप डाल दीजिए तकरीबन तो एक से डेढ़ लीटर पानी यहाँ पे हमने डाल दिया है काफ़ी रहेगा अभी प्रेशर कुकर लगा के एक चीज़ आपको बता दें यहाँ पे बिल्कुल तेज़ फ्लेम पे हमने रेडी नहीं करना रेसिपी को और एक चीज़ आपको और बताते चलें तकरीबन 25 से 30 मिनट यहाँ पे आपने हल्के फ्लेम पे जो है यहाँ पे रेसिपी को रेडी कर लेना है तो अभी ये देखिए तकरीबन 25 मिनट के बाद हमारी रेसिपी कुछ इस तरह से नज़र आ रही है और बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो चुकी है तो कान को उबाल लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है कि हमने मसाला किस तरह से तैयार करना है इंग्रेडिएंट्स हमने पहले आपको मसाले के बता दिए हैं बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे हमने कॉर्न को उबाल लिया है तो इस तरह से एक नींबू ले लेंगे उसे आपने दो पीस में काट लेना है और उसके बाद जो मसाले हैं उनको आपने अच्छी तरह से पहले खुद मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने जो है लीमू के साथ यानी कि ताकि थोड़ा सा खटापन जो है वो भी रेसिपी में आ जाएगा लीमू के साथ आपने ये जो मसाला है उबली हुई जो कॉर्न है उसके साथ लगा लेना है तो इसी के साथ रेसिपी बिल्कुल तैयार हो जाएगी बिल्कुल रफली हमने यहाँ पे सारा मसाला मिक्स कर लिया है अब लीमू के साथ आप किस तरह से लगाएंगे वो आपको बताते हैं अगर आपको मसाला ज़्यादा जो है पसंद है तो आप मज़ीद इसको जो है लगा सकते हैं दो दफ़ा तीन दफ़ा आप मसाला लगा लीजिए जितना आपको बेहतर लगे अच्छा लगे उतना आप मसाला यूज़ कर सकते हैं और अगर मज़ीद मसाला बनाना है आपने तो इसी तरह से क्वांटिटी मसाले के लेके आप उसे बढ़ा सकते हैं तो लीजिए हमारी रेसिपी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी लेकर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज